कांग्रेस बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ रही है। इस बात पर भाजपा नेता ने कांग्रेस पर जुबानी तंज करते हुए प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी पर शब्दों के बाण चलाए और चैलेंज भी किया। हिम्मत है तो वह दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें, क्योंकि प्रदेश की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का राज देख चुकी है। बिप्लब देव शुक्रवार को रोहतक में भाजपा के प्रदेश मीडिया कार्यालय के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में परिवारवाद हावी रहा है। कांग्रेस के होर्डिंग पर प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा का फोटो छपता है। भाजपा ही दिल से भाजपा फिर से का स्लोगन दे सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल से कांग्रेस फिर से कहकर दिखाएं, क्योंकि उनके दिल में परिवारवाद है। वे अपने बाद अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने कुमारी शैलजा और सुरजेवाला का पक्ष भी लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी व प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां सामने रखी। साथ ही प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया व दूसरे नेताओं के साथ जलाकर कार्यालय का उद्घाटन किया। हम लोगों को दिल से जीतना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। और नायब सिंह सैनी जैसा एक गरीब परिवार से, किसान से आया हुआ साधारण व्यक्ति देखिए कैसा चुपचाप बैठा हुआ है। और बाकी का भी मैं देखता हूं, पहले सीएम बन गए किंतु राहुल गांधी घोषणा नहीं कर रहा है। बड़ा मुश्किल है, घोषणा कर दो नहीं कर रहे हैं। इतना प्रॉब्लम है और सबको धमकाने लगा हम सत्ता में आ गए हैं, हमारा बात सुनो। ऑफिशियल में मेरे पास 2-4 ऑफिसर फोन कर लेता है, याद रखना जो बोलता है मैं आ रहा हूं आ गया हूं, ये कभी नहीं आता, इतिहास कहता है। भारतीय जनता पार्टी के पास आम जनता है, आम हरियाणा का लोगों का सोच है। मेरे मीडिया के मित्रों, आपने 10 साल उनका सरकार देखा, क्या हुड्डा जी को, भूपेंद्र हुड्डा जी को हरियाणा के लोगों ने चीफ मिनिस्टर बनते देखा नहीं? 10 साल देखा, उसके बाद निर्णय किया रिजेक्टेड। आपने 10 साल बाद वही रिजेक्टेड माल को सामने कर दिया और जनता के बोल तो उनको ले लो, जनता लेने के लिए तैयार नहीं। ऐसा कि राहुल गांधी भी डर गए उनका नाम कर दूं, मैं सत्ता में नहीं आ सकता हूं। मुझे शैलजा जी भी चाहिए, कुमारी शैलजा जी, और टिकट बांटते समय शैलजा जी को एक टिकट पंचकुला में एक टिकट देके संतुष्टि करना पड़ा। सुरजेवाला जी को बेटे का टिकट में संतुष्टि करना पड़ा। अरे राहुल गांधी हिम्मत तो बताओ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जैसे हमारे नायब सिंह सैनी को हमने मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया, पिछले दरवाजे से सत्ता नहीं मिलने वाले है। आओ सामने बोलो आपका मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होगा, पीछे से उनको टिकट देने का बंदोबस्त करते हो। और 12 तारीख के नॉमिनेशन के दिन भी 9 टिकट डिक्लेयर करना पड़ता है डर से, क्योंकि संभाल नहीं पा रहे हो। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।